भाजपा के वरिष्ठ विधायक जिन्होंने 4 बार विधानसभा फतह की है, आष्टा से ताल्लुक रखते हैं, गुणवान सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुणवान सिंह जी, वो समय आ गया है कि एक बार फिर जनता को विकास कार्यों को लेकर हमको जवाब देना है। लगातार आप सक्रिय हैं, जनता के बीच रहते हैं, लेकिन हिसाब किताब अंत में विकास का ही होता है। क्या इस बार के लिए वो तमाम सवाल, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, सिंचाई से जुड़ा हो, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जनता को आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, सब तैयारी है पूरी और विकास काफ़ी हुआ है। 4 बार के हम हैं, मतलब 4 बार जीत के आए, जनता की सेवा करने का मौका मिला है 4 बार। बीच में एक बार हमारे दूसरे भाई आ गए थे, उन्होंने भी सेवा की और हम भी बराबर जनता की सेवा और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। हमने क्षेत्र में कार्यालय भी मुख्य जगह पे खोल रखा है तहसील लेवल पे, तो हर बार जो भी क्षेत्र की जनता आती है उनसे हमारा आदान प्रदान होता है, उनकी समस्या सुनते हैं, समस्या हल भी होती है, कराते भी है, जैसे प्रशासन से हो, कलेक्टर से हो, तो यहाँ से और ज़्यादा बड़ी हो तो हम माननीय मंत्री से या मुख्यमंत्री तक भी पहुँच जाते हैं और जनता के समस्या को हल कराते रहते हैं। समस्या बनती रहती है, हल होती रहती है। और हमारे क्षेत्र में जरा पानी की कमी है, पूरे क्षेत्र में एक डैम है वो भी आधा अधूरा भरता है हर समय, कि बारिश कम होने से पूरा कभी आज तक फुल भराया नहीं, डैम बड़ा है वैसे तो। किसानों को भी पानी उसमें से देते हैं कुछ क्षेत्र में, और हमारे आष्टा नगर को भी उससे पीने की व्यवस्था होती है। और दूसरा इतना बड़ा कोई डैम है नहीं, तो पानी की तो ऐसे सिंचाई की भी हमारे क्षेत्र में कमी है, और कभी कभी तो ज़्यादा सूखा पड़ने पर पीने की भी समस्या हो जाती है। ऐसे व्यवस्था करते हैं, सरकार भी करती है। नल जल योजनाओं का सहारा लेने की कोशिश होती है क्या? नल जल योजना एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। नल जल योजना अभी बहुत सारी मंजूर हुई, हमारे क्षेत्र में काम भी चल रहा है, और ये इस साल सूखे का साल है क्योंकि वर्षा हमारे यहाँ तो बहुत ही कमी हुई है, और अभी भी थोड़ा पानी बीच बीच में गिर गया था तो नदी में पानी जो आया था उसको रोक लिया है, बाकी कुआवन में तो कोई पानी है नहीं, मतलब वो जैसे के जैसे ही है, मतलब और कोई नाला होन भी है बाकी का वो भी सूखे पड़े हैं। पर नल जल योजना शासन ने जो मंजूर की है उनमें काम चल रहा है। हमारे करीबन 40-45 गाँव में, जो बड़े बड़े गांव हैं ना जहाँ बिल्कुल पानी की समस्या है, वहाँ पर इतनी नल जल योजना मंजूर की है, काम भी उनमें चालू हो गया है, बोर भी लगे हैं, कुछ में पानी भी निकला है। तो ऐसी समस्या तो है, पर अब वो उसमें लगे हैं और दिन रात जनता के बीच में रहते हैं और जनता की बात सुनते हैं, करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क, ये भी वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि से, मौजूदा विधायक से सवाल पूछती है। सड़कों की स्थिति तो कुछ बेहतर नज़र आती है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ ये तो मतलब है, ये सही बात है, सड़क और शिक्षा है, पानी की समस्या है, ये सब तो है ही। शिक्षा के बारे में हमारे क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट आया है, और वैसे टीचरों की कमी तो हर स्कूल में थोड़ी बहुत रहती है, पर फिर भी हमारे शिक्षा के बारे में एक अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ निकलता है आष्टा से, और सब किसी भी तरह की कोई लापरवाही भी नहीं होती है। हम भी समय समय पर स्कूल देखते रहते हैं, और भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई सब लगे रहते हैं, पार्टी का संगठन वाले भी लोग लगे रहते हैं, और अभी तक ऐसा कोई हमारे क्षेत्र में शिक्षा के बारे में कोई ऐसा नहीं है। जहाँ भी कोई मतलब, क्योंकि भवन में पर्याप्त कर दिया है, पहले मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल की अगर आपको याद आता हो, स्कूलों की बिल्डिंग का उन्नयन हो, या फिर प्राथमिक स्कूल को मिडिल स्कूल बनाना, या फिर उसका उन्नयन कर हाई स्कूल बनाना, ये गतिविधियाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में हुई हैं। बहुत सारे हमारे मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तन किया है, और हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी में भी परिवर्तन किया है, और बड़े बड़े गांव में तो हाई सेकेंडरी हमारे यहाँ हो ही गया है, ज़्यादा दूर ऐसा नहीं है। और भी हम लगे हैं कि जहाँ भी और मिडिल स्कूल है वहाँ हाई स्कूल जल्दी खोला जाए, हमने लिख कर भी दिया है। अब भी 10-12
जगह का लिख के दिया है कि वो हाई स्कूल में मतलब मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हो जाए, और 5-6 जगह का हाई स्कूल का को भी ऐसा लिख के दिया है कि वो हाई सेकेंडरी में परिवर्तन नवीनीकरण उसका हो जाए, उन्नयन उन्नयन होना, ये हमने पूरा प्रयास करा है। बेहद महत्वपूर्ण जिला आपका हो जाता है इस लिहाज से, क्योंकि आपकी विधानसभा उसी जिले में है जिस जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा आती है, आप अड़ोसी पड़ोसी हैं, उसका कितना लाभ मिलता है? नहीं, मुख्यमंत्री जी की कृपा है, मेरे क्षेत्र में जो मैं मांगता हूँ वो नहीं देते हैं, और बहुत दिया है, और अच्छा मतलब मेरे क्षेत्र तो खुशहाल है बिल्कुल। सरकार ने इतना दिया है, जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री प्रदेश के बने हैं ना, जो हमने मांगा वो दे दिया। हमारे यहाँ दो एक बड़ी बड़ी कंपनी भी चली गई है, उसमें भी बेरोजगारों को रोजगार मिला है हमारे भैया बहनों का, और एक यूनिवर्सिटी बहुत ज़ोरदार हमारे यहाँ क्षेत्र में दे दी है जो मध्य प्रदेश में पहला है, ऐसा उन्होंने कृपा की हम पर। बाकी का तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो है वो अच्छा दे दिया है, वो सिविल हॉस्पिटल के नाम से आष्टा में दे दिया है, सामुदायिक वो जावर में दे दिया है, और उसकी व्यवस्था है। अब डॉक्टरों की कमी होती रहती है, पर वो पूर्ति भी होती रहती है, तो वो भी चलता रहता है, फिर भी हम पूरा प्रयास करें कि और पूरी पूर्ति जो भी कमी है वो पूरी हो जाए, इसमें लगे रहते हैं। तो सरकार ने तो अच्छा भी ये 10-12 साल में तो हमारे क्षेत्र चमन कर दिया है, दो मंडी है वो भी फुल कर दी है। मंडी हमारी एक क्लास इंदौर की मंडी के बराबर चलती है हमेशा, जो आपको भी मालूम होगा कि हमेशा मंडी हमारे सुपर है, और मंडी के और भी जगह कम पड़ रही है, तो हमने जगह मांगी थी तो 101 एकड़ ज़मीन वो मंजूर कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो हमारे यहाँ ऐसे विकास में तो हम पीछे नहीं, रोड से तो हर गांव रोड जुड़ा, आप छोटे छोटे जो बटके रह गए हैं उनमें भी हमने पूरा प्रयास करा है, मांग की है कि ये भी हमारा छोटे छोटे हर गांव से गांव जुड़ जाए, और पूरा सही। और अभी सरकार ने 2 साल की DPR जो बनाई है कि हर गांव बिल्कुल कंक्रीट बिल्कुल ऐसे पक्के हो जाए कि हर गली नाली सहित और अच्छे सब हर गांव रोड से जुड़ जाए और पक्का हो जाए, कोई ज़रा सा कीचड़ ना रहे, ये पूरे क्षेत्र मनी और बन रहे काम धंधा का चल रहा है, ऐसी कोई कमी नहीं किसी बात। अच्छा, कांग्रेस को सिर उठाने भी देंगे क्षेत्र में, या फिर कांग्रेस की स्थिति पिछले 14 साल में जैसी है वैसी ही रहने वाली है? हम तो हमारा काम कर रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस की जाने, अब वो तो जो है जनता इसका मूल्यांकन करती है और मूल्यांकन कर ही रही है आज। लेकिन चूंकि प्रतिद्वंदी जो संगठन है उसके लिहाज से हमेशा BJP भी इस बात के लिए हमेशा से कहीं ना कहीं चिंतित रहती है, इसकी समीक्षा करती रहती है कि कांग्रेस के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मैदान में होंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे, दिग्विजय सिंह जी की वापसी अगर नर्मदा सेवा यात्रा के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में हो गई तो क्या करना होगा, और वो उड़न खटोला वाले बाबा कमलनाथ अगर वो आ गए तो क्या करेंगे, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, चूंकि आप वरिष्ठ विधायक हैं, संगठन में भी सलाह कहीं ना कहीं ली जाती होगी कि क्या किया जाए इन स्थितियों के लिए? नहीं, हम भी हर तरह से तैयार है, भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है हर बात में, किसी भी तरह से विकास के कार्य में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पूरा देश देख रहा है मध्य प्रदेश की तरफ कि इतना विकास कभी हुआ नहीं है, 10-12 साल में जो हुआ है इसको पूरा देश जान रहा है। और कमलनाथ जी आ जाए, ज्योतिराय सिंधिया जी आ जाए, दिग्विजय सिंह जी है ही सही, और भी जो नेता है आए, अपने अपने काम अपने अपने करे, पर बाकी शिवराज जी का विकल्प इस मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी में नहीं है। शिवराज जी एक ऐसे नेता है मध्य प्रदेश के कि जन जन की समस्या को जानते हैं, चाहे वो किसान की समस्या हो, गरीबों की समस्या हो, कोई मतलब बीमार हो जाए तो उसकी समस्या हो, बच्चियों की समस्या हो, हर तरह से मतलब इतना विकास हुआ है और हर कार्य में किसी भी तरह पीछे नहीं है। विधायक जी, किसान तो परेशान है मध्य प्रदेश में। नहीं, किसान ये तो प्रकृति का है, अब पानी की कमी हो गई तो अब उस वजह से प्रकृति का तो अब कोई उसको तो चैलेंज कर नहीं सकते, पर फिर भी समय समय पर सरकार किसानों के साथ खड़ी है और जो भी है अपने बलबूते पर कर रही है, सरकार काश्तकारों के लिए सब कुछ कर रही है। बिल्कुल, तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला कर सके, और दावा यह भी है रणजीत सिंह जी का कि जो विकास 14 सालों में हुआ है ऐसा प्रदेश में विकास पहले कभी नहीं हुआ। कैमरामैन रिजवान के साथ हित किशोर शर्मा।